हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्लर्क से ऑफिसर की हम सिलेबस के ऊपर बात करने वाले, सिलेबस की क्लैरिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे चार तरह का आपको सब्जेक्ट दिखेगा, क्लियर हो गया बात, या मैक्सिमम मार्क्स दिखेगा, ये भी समझ में आ रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफाइंग, सॉरी मैक्सिमम नहीं बोले, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिखेगा, यानी हर एक सेक्शन में आपको पास करना मैंडेटरी है। ठीक है, हर एक सेक्शन पास करना मैंडेटरी, उसका ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगा। अब हम एक बाई वन बाई वन पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहला चीज आता है बैंकिंग। अब बैंकिंग है क्या, तो बैंकिंग हम लोग क्या क्या चीज पढ़ सकते हैं, देखिए ये सब मैं जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। बैंकिंग है क्या वो बता रहा हूँ। तो बैंकिंग आपसे क्या पूछेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट्स आ जाएगा, क्या क्या बैंकिंग में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, सर्कुलर्स आ जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा आ जाएगा आपका, और प्लस इंटरनल कुछ होगा तो वो आ जाएगा। ये सारा चीज बेसिकली बोलने का मतलब बैंकिंग है। ठीक है, हम सीबीएसआईटी आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपसे आप क्या करते हैं, सीबीएसएल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है, फिनेकल आप यूज करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका, फिनेकल से संबंधित, फिनेकल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब यहाँ अकाउंटेंसी है, कॉमर्शियल हो अकाउंटेंसी है, हम इसको ऐसा कर देते हैं, ऑब्लिक के बदले हम अकाउंटेंसी प्लस कॉमर्शियल, सॉरी कॉमर्शियल लॉ प्लस अकाउंटेंसी कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने। ठीक है, कमर्शियल लॉ क्या है, अच्छा उससे पहले अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, ये अकाउंटिंग है। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपका ये सिलेबस है। ठीक है, कमर्शियल लॉ क्या होता है, बहुत अच्छा चीज है, लॉ समझते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, लॉ का मतलब होता है कानून, लॉ का क्या मतलब कानून होता है, लीगल, इसका मतलब हो गया लीगल चीज है, लीगल क्या होता है, लीगल को हम लोग लॉ बोलते हैं, जो एक लीगल हमारा सब्जेक्ट को ही हम लोग कमर्शियल लॉ बोलते हैं। कमर्शियल लॉ इस कुछ नहीं है, इक्वल टू आप लीगल बोल सकते, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आरबीआई एक्ट, ठीक है, आपका बीआर एक्ट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कानून है। ठीक है, इंग्लिश में भाई, इंग्लिश तो आप जानते हैं, इंग्लिश कुछ नहीं रहेगा, जो आपने आईबीपीएस क्लर्क में अगर आपने एग्जाम दिया है तो जो उसका सवाल है या जो उसका सिलेबस होता है, सेम सिलेबस यहाँ आता है। आई होप आपको एक डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से पढ़ना है। अब एक सवाल और है कि कैसे क्या करूं, कहां से करूं, किधर करूं, सब समझाता हूं। क्यों जानना जरूरी था आपको, आप जान के अच्छी बात है कि क्या है क्या नहीं है। अब एक सवाल है कि कैसे क्या हम करेंगे तैयारी, खुद से कर सकते हैं तो खुद से करिए, और आपको लगता है खुद से नहीं हो सकता है, बेटर कोर्स करिए। ठीक है, कम से कम आपको जो भी है, हम लोग जो भी पढ़ाएंगे वो प्योरली फॉर जो भी आपने पढ़ा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लर्क टू ऑफिसर का ही सिलेबस हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ना है तो आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना होगा, बिना सिलेबस के पढ़ेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोर्स कैसे होगा, तो कोर्स आपको ऑनलाइन मोड पे है, यहाँ पे आपको पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, उसी के हेल्प से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियोस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी रिकॉर्डेड हैं, जब मर्जी तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम पढ़ सकते हैं, प्लस पीडीएफ है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आई होप इतना काफी है, आपको डाउट क्लैरिफाई करनी थी। चलिए अब हम आएंगे कोर्स कंटेंट के ऊपर। तो हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, सबसे पहला हो जाएगा प्रमोशन वीडियो कोर्सेज एज पर सिलेबस के हिसाब से रहेगा आपको। दूसरा, एक सवाल और लोगों के मन में आता है, इसमें मैंने क्या किया है ना, इसमें भी आपको दो चीज मिल जाएंगी, एक का नाम है वर्जन टू, जिसका मतलब है इन डेप्थ वीडियोस, थोड़ा वीडियो डिटेल्ड में होता है इसलिए हम इसे नाम इन डेप्थ रखते हैं, प्लस एक रहेगा वर्जन वन,
इसका नाम है शॉर्ट टर्म वीडियोस, ठीक है। दोनों में खासियत क्या है, इस कोर्स को ऐसा बनाया गया है कि आप 24 आवर्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। कितने समय, 24 घंटे में। इसको कोई ढंग से पढ़ता है वर्जन 2 को, तो मेरा मानना है कि इसको भी आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात। चलिए 5 भी ज्यादा है, आप चलो एवरेज रख लो, 5 डेज में आप कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो भी ये रहता है, जिसमें हम लोग कई तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये सारी वीडियोस आपको रहेगा, प्लस पीडीएफ भी रहेगा। तीसरा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। चौथा, 3000 से टका क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में। पांचवा, 10 मॉक टेस्ट होगा आपके अकाउंट में। आई होप साफी काफी कुछ क्लियर है। प्राइस 2000 रुपए रखा गया है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी को देखते हुए। यहाँ प्राइस है 3000 रुपये, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, चॉइस आपकी अपनी है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वीडियो में नहीं बताया गया है, अगर वीडियो में नहीं बताया तो फोन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 times 9 6 8 5 1 2 7, ठीक है। क्यों सब देखिए, क्या बहुत फोन कॉल्स आते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वैसा ही चीज पूछेगा जो नहीं बताया, क्या है ना, आपके लिए बिजी है और सेम चीज पूछेंगे तो वो भी रिपीटेड हो जाता है, तो ऐसा चीज पूछिए जो वीडियो में नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या है ना, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, सबका आपको समझना होगा, सबके लिए टाइम कीमती है, ठीक है। और इतने स्टूडेंट्स हैं भी कि मैं क्या बोलूँ आपको, तो हर किसी को कैटर करना होता है। वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। www.jaiibcaibstudymaterial.com, ठीक है, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।